हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर होस्ट, योर दोस्त भूपेंद्र। आज मैं आपके सामने कंटेंट लेके आया हूँ गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख भी चुके होंगे, जो कि मैं बात करने वाला हूँ आज आपके इंस्टाग्राम की ऑडियंस के लिए, आपके इंस्टाग्राम के इंगेजमेंट्स के लिए। कैसे आप अपने इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी। मैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड करूँगा आपको, जहाँ से आप अपने वीडियो में देख सकते हैं, लास्ट वीडियो हमारी जैसी वीडियो थी। सो बेसिकली देखिए, आज जिस बारे में मैं इम्पॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारा इंस्टाग्राम का पोस्टिंग टाइम। गाइज, पोस्टिंग टाइम से क्या समझ में आ रहा है? पोस्टिंग टाइम से ये समझ में आ रहा है कि देखिए, आप अपने पोस्ट को तो आप रेगुलरली पोस्ट कर देते हैं, या अगर बात करें आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने की, तो लाइक एवरीवन आर डूइंग दिस, लाइक हर कोई पोस्ट कर रहा है, हर कोई रील्स डाल रहा है। या अगर मैं अपना पर्सनल एक व्यू देना चाहूँ, तो मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इस समय जो इंस्टाग्राम है या इंस्टाग्राम रील्स हैं, वो बेसिकली एक अनदर लेवल ऑफ टिकटॉक बन चुका है। लाइक पीपल आर जस्ट स्वाइपिंग अप एंड यू नो दिस आई एम सो सॉरी, दिस इज जस्ट अ जोक, प्लीज़ इग्नोर मेरी एक्टिंग। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था, तो मुझे जो पर्सनली लगता है कि यार इंस्टाग्राम पे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि आप कैसे अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अपने बिजनेस को, अपने अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्टिक अकाउंट्स को, या अपने किसी पर्टिकुलर मीम्स और लाइक मीडिया, आप इन सब चीज़ों को कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअली गाइज, ग्रो कर सकते हैं, अपने इंगेजमेंट्स बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने ऑडियंस के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में मैंने प्रॉपरली आपको 10 स्टेप्स बताए थे, जिसमें कि मेंशन किए थे एक एक पॉइंट्स को, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने अच्छी तरह से उन्हें देखा है इस वीडियो को, तो आपको हेल्प मिली होगी आई थिंक। एंड रही बात अगर आज के वीडियो की स्टार्ट करते हैं, तो देखिए वीडियो जो है, ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्टेंट है, जो कि मेरे लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप व्यूअर्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि बात कर रहे हैं हम आज अपने इंस्टाग्राम के टाइमिंग की, इंस्टाग्राम के टाइमिंग की, ये पोस्ट की, जिस टाइम पे आप पोस्ट को टाइमिंग पे पोस्ट करते हैं, अपने फीड्स को अपने ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं, रेलिवेंट, लाइक अगर आप रेलिवेंटली अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट्स को फॉलो लेके चल रहे हैं, या अगर आप अपना कोई टैलेंट लेके चल रहे हैं, या अगर आपका खुद का एक पर्सनल अकाउंट भी लेके चल रहे हैं, ट्रस्ट मी गाइज, मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप अपना कॉन्टेंट इस तरह से अगर पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आपका इंगेजमेंट ऑफ ऑडियंस का आपको प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। एंड मैं आपको बताता हूँ, देखिए गाइज, सो अगर हम बात करते हैं, देखिए आपके इंस्टाग्राम में आपने सुना होगा, लाइक अगर आपने कभी कोई फॉर्म्स फिल किए होंगे, या अगर आप कभी ऑनलाइन अगर किसी भी जगह पे अगर आप गए होंगे, किसी वेबसाइट में गए होंगे, तो आपने देखा होगा, सुना होगा इस बारे में कि वेबसाइट में ट्रैफिक हो गया यार, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चल रहा है, या अभी वेबसाइट चल नहीं रही है, ये वर्क नहीं कर रही है। सो व्हाई इट इज़ हैपनिंग गाइज, ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर जोन टाइम में, उस पर्टिकुलर सेंट्रल डे टाइम, डे लाइट टाइमिंग में, CDT उसे कहते हैं गाइज, तो उस टाइप में जो नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पीपल हैं, उन सब ने एक साथ उस वेबसाइट में या उस टाइम ऑफ कंटेंट पे इतना ज़्यादा सर्च आउट किया है कि वो चीज़ खुल नहीं पा रही है, राइट? ये एग्जांपल के तौर पे मैं एक सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा था। मेरा मेन पॉइंट कहने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने आइडियल टाइम पे अपने पोस्ट को, अपने फीड्स को, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप पोस्ट करते हैं, अगर आप रेगुलरली उन टाइमिंग्स पे पोस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट मी गाइज, ये इंस्टाग्राम का या सोशल नेटवर्किंग का एक इंगेजमेंट है कि अगर आप उस टाइम पे अपने कॉन्टेंट्स को पोस्ट करते हैं, जिस टाइम पे इंस्टाग्राम यूजर्स इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, कहने का मतलब है कि अगर उस टाइम पे अगर उसका ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली आपके लाइक्स ज़्यादा आएंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, एंड आपका इंस्टाग्राम अकाउंट ग्रो होने लग जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप पोस्ट करते हैं अपने टाइमिंग्स को, और मैं आपको कुछ बेसिकली मैं आपको कुछ टाइमिंग्स बताऊंगा, एंड आपके वीक से रिलेटेड, आपके टाइम ऑफ फेस से रिलेटेड मैं आपको कंटेंट शेयर करूंगा, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग का स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले मैं आपको मॉर्निंग से स्टार्ट करूँगा, देन मैं आपको आफ्टरनून बताऊँगा, एंड थर्ड मैं आपको इवनिंग बताऊँगा। ये तीन तो टाइमिंग हो जाएंगे, बट मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स बताऊंगा कि अगर आप इन टाइम पे अगर आप पोस्ट करते हैं, तो
डेफिनेटली आपको ये फ्रूटफुल कंटेंट आपको मिलेगा एंड आप उसकी ग्रोथ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स के साथ में भी आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं गाइस मॉर्निंग की। अगर मैं बात करूँ 7 AM से अगर आप अपना पोस्ट वेडनेसडे और फ्राइडेज़ को अगर अपना पोस्ट अगर आप करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, अगर अपने पोस्ट को फीड करते हैं, तो जो आपका हाईएस्ट एंगेजमेंट जो आपका जुड़ेगा, जो आपका जनरेट होगा आपके ऑडियंस के साथ में, वो आपकी टाइमिंग रहेगी गाइस 7 AM से आप अपना पोस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट आपको 7 AM करना है एंड यूजुअली क्या होता है मॉर्निंग में एवरीवन इज हैविंग अ हैबिट लाइक टू चेक देयर फोन्स, राइट, टू चेक देयर नोटिफिकेशंस एंड एवरीथिंग। सो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइमिंग्स को यूज करिए, लाइक मॉर्निंग 6 AM 7 AM इज अ गुड ऑप्शन। आप अर्ली मॉर्निंग एक पोस्ट करिए, देन आप एक्चुअल में वेट करिए, देखिए कि आपके लाइक्स कितने हुए हैं। लाइक्स देखना है, कितना कंटेंट बढ़ रहा है वो देखना है, कितने लोगों का एंगेजमेंट बढ़ रहा है वो आप देख सकते हैं। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ, अगर आप पोस्ट करते हैं अपने 11 AM टू 3 PM, राइट, ये मैं वीकडेज की बात कर रहा हूँ, ये अगर आप पीक आवर्स में अगर आप बात करेंगे तो अगर आप 11 AM टिल 3 PM अगर आप अपने पोस्ट को इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट अपना फीड पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली गाइज ये ऐसा टाइम है कि जो वर्किंग स्केड्यूल्स हैं वो दे मस्ट बी हैविंग देयर लंच और लाइक ब्रंच, राइट, सो उस टाइम पे भी इंगेजमेंट्स बढ़ सकता है गाइज। थर्डली अगर मैं बात करूँगा जो नाइट की पोस्ट की है, तो अगर आप सैटरडे अगर आप हैंग आउट्स करते हैं गाइज तो आप देख सकते हैं कि लाइक जब भी किसी का चेक इन होता है, कोई अगर रेस्टोरेंट्स में, अगर पब्स बार्स वगैरह में अगर आप जाते हैं, अगर आप डांस बूज करते हैं, राइट, तो आप जनरली लोग फ्राइडेज और सैटरडेज को डेफिनेटली गो आउट, दे यूज टू गो आउट विद देयर फैमिली, विद देयर कपल्स, विद देयर फैमिली वंस, राइट। सो सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे दीज आर द वीकेंड्स इन आर सिनेरियो इन आर डेज। सो उस दिन भी अगर आप अपने पोस्ट को गाइज अगर आप करते हैं फॉलोअर्स लाइक 10 o'clock से, लाइक अगर मैं बात करूँ 10 बजे के बाद अगर आप पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली गाइज आपको एक लॉन्ग एंगेजमेंट्स मिलते हैं, जो कि वीकेंड्स पे लोग अगर बाहर हैं तो डेफिनेटली वो आपकी पोस्ट को लाइक करेंगे, वो आपके अकाउंट्स के साथ जुड़ेंगे, वो आपको ऑडियंस देंगे, वो आपको एंगेजमेंट्स देंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कुछ बेस्ट टाइमिंग की, जो ग्लोबल जोन की तरफ से भी एक पेटेंट टाइमिंग्स हैं, तो मैं आपको उस बारे में भी बताऊंगा गाइज। बेसिकली वो टाइमिंग्स ऐसी हैं कि वो आप जनरली फॉलो कर सकते हैं, वो ऐसा टाइमिंग्स है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखिए बेस्ट टाइमिंग्स अगर मैं आपको बात करूं, और ये मैं पर्सनल अपना अजम्पशन दे रहा हूं गाइज, एंड कुछ सोर्सेज मेरे इंटरनेट के सोर्सेज भी हैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन्हें रिलीजियसली फॉलो करते हैं आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, डेफिनेटली आपको एंगेजमेंट्स मिलेंगे गाइज। सो संडे को अगर हम संडे की बात करें गाइज, तो संडे में अगर आप अपने पोस्ट को 8 AM टिल 2 PM, राइट, मॉर्निंग आफ्टरनून 8 AM 2 PM संडे अगर आप पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये पोस्टिंग्स के बाद में आपको लाइक्स एंगेजमेंट्स अच्छा देंगे। बट जनरली गाइज ट्रस्ट मी, संडे इज अ डे ऑफ लेजीनेस, ऑफ रेस्ट, सो माइट बी देयर इज अ चांस कि आपको उतना एंगेजमेंट ना मिले, बट डेफिनेटली अगर आप 8 AM टिल 2 PM अगर आप पुनः पोस्ट करते हैं संडे पोस्ट, तो ये आपका संडे का टाइमिंग रहेगा। ये जो मंडे है गाइज, एक्चुअली मंडे क्या है, मंडे हमारा पीक डे है, इस दिन सबका मन नहीं होता ऑफिस जाने का, तो अगर आप अपने मंडे को अगर आप पोस्ट करना चाहते हैं तो आप टाइम चूज कर सकते हैं 11 AM टिल 2 PM, दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट। ऑफिस में लोग होते हैं यूजली नहीं काम करना चाहते हैं मंडे को, तो मंडे के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। चलिए ट्यूसडे पे जाते हैं, तो ट्यूसडे में गाइज क्या कर सकते हो आप 10 AM टिल 3 PM आप अपना पोस्ट कर सकते हो, एंड ट्रस्ट मी ट्यूसडे इज ऑल्सो अ गुड डे, अगर आप अपना 7 AM पे भी अगर अपना पोस्ट करते हो अपडेट, तो डेफिनेटली आपका एंगेजमेंट लेवल बढ़ जाएगा, आपके टारगेटेड ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट होने लग जाएंगे। बात करते हैं वेडनेसडे की गाइज, वेडनेसडे, सो वेडनेसडे को अगर आप 7 AM टिल 4 PM अपना एंगेजमेंट्स देते हैं, तो ये एंगेजमेंट पीक डे है, और डेफिनेटली वीकेंड आने वाला होता है, वेडनेसडे लग जाता है, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, ज़्यादा इंस्टाग्रामिंग करते हैं, राइट गाइज। थर्सडे, व्हाट इज थर्सडे, थर्सडे में आप क्या कर सकते हो गाइज, थर्सडे को आप 10 AM को ही पोस्ट कर सकते हो, 10 AM टू टिल 2 PM बेस्ट टाइमिंग है, बहुत अच्छा टाइमिंग है गाइज,
इस समय जनरली लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं राइट, कि उनका वीकेंड कैसा जाएगा। या आप शाम का टाइम ले सकते हो, 6 to 7 PM राइट, दिस इज ऑल्सो अ गुड टाइम। आप इस टाइम पे अगर आप शाम को पोस्ट करते हैं, कुछ लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं वीकेंड में घूमने के लिए या वीकेंड पे जा रहे होते हैं, तो आपका एंगेजमेंट उस दिन भी बढ़ जाएगा गाइज। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे में आपका आता है 9 AM till 2 PM, दिस इज अ गुड टाइम राइट। अब 2 PM मैंने बोला है तो आप 2 AM भी समझ सकते हो, जैसा कि मैंने बताया था वीकेंड्स पे गाइज एंगेजमेंट ज़्यादा होते हैं, वीकेंड्स पे लोग ज़्यादा कनेक्ट होते हैं बिकॉज दे यूज टू लिव देयर टाइम राइट। वो 5 दिन वर्किंग जो चले जाते हैं लास्ट में, आदमी को थोड़ा सा बंदे को पर्सन को एंगेजमेंट चाहिए होते हैं, कुछ फन चाहिए होता है, रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है बेसिकली। गाइज सैटरडे की बात करते हैं, सो सैटरडे इज व्हाट, सैटरडे में अगर आप 9 AM till 12 PM आप अपना पोस्ट कर रहे हैं, दिस इज अ गुड टाइम। सैटरडेज आर गुड, सैटरडेज आर बेस्ट, आप इस दिन अपना पोस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपको एंगेजमेंट्स मिलेगा। एंड पर्टिकुलरली गाइज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई साइड व्हाट आई फील, दिस इज माई इंटेंशन टू गिव यू दिस बेस्ट सपोर्ट ऑन इंस्टाग्राम। मैंने कुछ लोगों के DMs भी चेक करे हैं इंस्टाग्राम पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस दैट यू हैव शेयर टू मी। एंड डेफिनेटली हम आपके लिए और ऐसा कंटेंट क्रिएट करते रहेंगे जिसमें कि हम आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें। आज का कंटेंट गाइज आई थिंक छोटा था, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट हर दिन कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, बट एक्चुअल में उस पोस्ट को किस तरह से करना है, किस डे पे करना है, दैट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर इंस्टाग्रामिंग राइट। एंड इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा एक, अगर मैं आपको एक जस्ट देना चाहूँ या अगर मैं आपको एक नॉर्मल बताना चाहूँ, अगर आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो तो गाइज कुछ नहीं करना है, एक ईजी मैचिंग मेथड है, आप अपने 9 AM से लेके 4 PM तक हर दिन आप पोस्ट करिए, एक शॉर्ट बेनिफिट है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। 9 AM से लेके 4 PM का कंटेंट जो है गाइस, यूजुअली लोग दे यूज टू स्वाइप अप देयर स्टोरीज, एंड डेफिनेटली डू रिकमेंड देम कि आप एक बार ज़रूर अपने कंटेंट में, अपने DMs में अगर आपके साथ कंटेंट कोई शेयर कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो उनको प्लीज़ कहिए कि अपने इंस्टाग्राम पे जाके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से गाइज क्या होता है, कनेक्टिविटी रहती है। जब भी आप अपना इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करेंगे, जब भी आप अपना इंस्टाग्राम पोस्ट फीड अपने पोस्ट करेंगे, तो क्या होगा, एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक नोटिफिकेशन स्वाइप अप नोटिफिकेशन आएगा आपके ऑडियंस के साथ में, एंड दे विल गेट टू नो दैट यू हैव पोस्टेड अ कॉन्टेंट ऑन इंस्टाग्राम, सो दे विल डेफिनेटली डू चेक इट दैट आउट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप फोटोग्राफर हो, या आप अपना पर्सनल अकाउंट चला रहे हो, या अगर आप मीडिया से हो, न्यूज़ हो, कुछ जनरल नॉलेज का कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजीज का कंटेंट देते हो, लाइक एनीथिंग गाइज, वट एवर द कंटेंट यू हैव, इफ़ यू फॉलो दीज स्मॉल स्टेप्स एट द टाइमिंग ऑफ द कंटेंट ऑफ यू आर गोना फीड इन योर पोस्ट राइट, so definitely guys you will get your best connection in that, and do follow it। अगर आपको अच्छा content लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारे साथ बात करने में, अगर आपको समझ में आ रहा है, आप हमारे contents को देख के अगर आपको कुछ भी अगर important लग रहा है, या अगर आप हमें कोई information देना चाहते हैं, या अगर आप request करना चाहते हैं किस तरह का आप content चाहते हैं, तो please do let us know and do inform us guys, आप हमें बताइए इस बारे में। हमारे इंस्टाग्राम के भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूंगा, जहां पे आप इंस्टाग्राम पे भी हमें DM कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे भी आप हमें कमेंट के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं गाइज, अपने कमेंट्स दे सकते हैं, गुड कमेंट्स एंड लाइक्स प्रोवाइड करिए गाइज। गाइज तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में अपना कंटेंट, हमारा कंटेंट शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करें, एंड प्लीज़ उन्हें बोलें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा गाइज। इसके साथ में हमारी कनेक्टिविटी आपके साथ बढ़ती है, हमारा एंगेजमेंट आपके साथ बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, दिस इज़ योर होस्ट एंड दोस्त भूपेंद्र।